ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की। इसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान का निरूपण, समन्वय और प्रोत्साहन करने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। मेडिकल के क्षेत्र में शोध करने वाली यह विश्व की पुरानी संस्थाओं में से एक है। 1949 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी IRFA को नए स्वरूप में ढालकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। IRFA के संचालक मंडल की पहली बैठक नवंबर 1911 में मुंबई में आयोजित की गई थी। यह संगठन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कार्यकारी प्रमुख, महानिदेशक, सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक व तकनीकी मामलों के लिए वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यों की बात करें तो स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के निम्न क्षेत्रों में शोध करना, जिसमें शामिल है संक्रामक रोगों का नियंत्रण व प्रबंधन करना, प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विकार नियंत्रण। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वैकल्पिक रणनीति बनाना, पर्यावरण व व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं की सुरक्षा सीमा के अंदर रोकथाम करना, प्रमुख गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, अंधापन तथा अन्य चयापचय तथा रुधिर विज्ञान संबंधी अनुसंधान करना और मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान तथा औषधि अनुसंधान परंपरागत उपचार सहित करना भी इसके कार्यों में शामिल है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।